चैनल गाइड्स, क्या बोलते हैं आज किधर जा रहे हैं? सो टुडे वी आर गोइंग नासिक बाय, इधर से आएगा ब्रह्मनवाड़ा वो साइड से, जैसे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देखो मैप में ऐसे रूट से जाना है, आते वक्त अलग रूट होगा और वन डे रिटर्न भी होना है। और ये देखो मस्त सब पैक हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट स्कूल बैग है, बट उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोले तो क्या बोलते हैं उसको, लैंड राइनर वगैरह वगैरह वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाइक एकदम चकाचक लग रही है, बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है और नासिक ना गए तो क्या है, और नासिक में फर्स्ट टाइम जाऊंगा, तो चलो चलते हैं। और बाय द वे नए क्लाउड्स है, मोटा खर्चा, कुछ मोटा खर्चा नहीं, 300 रुपये में पड़े, मैंने ले ली, और फोन होल्डर वगैरह भी सब रेडी है, अभी जस्ट अपने को निकलना है और आराम से जाना, आराम से आना है, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आराम आराम से करना है। ये बिलोडो ने देखो गाइस, घर पे एक नया मेम्बर आया, नाखून मारता है। चलो चलते हैं, अभी सब तो मस्त है, अभी निकलते हैं, लगभग 3-4 घंटा बता रहा है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। आते वक्त अपन इधर से आएंगे, बट जाते हुए इधर से जा रहे हैं, ऐसे ओजर वगैरह वो साइड से, फुल मतलब टूरिंग जिसे बोलते हैं ना, मज़ा आएगा, हर एक नई प्लेस, करसुवाई का टॉप वगैरह बहुत कुछ देखने मिलेगा, रंधा वाटरफॉल, ऐसे ही मतलब बाहर से दिखाऊंगा, अंदर नहीं। और ये मस्त सब पैक हो गया है। एक्चुअली सीन क्या है ना, पता है मैंने वो बैग, स्कूल बैग को ही क्यों पैक किया पता है, उसमें मतलब पहले से मैं वही कैरी करते आ रहा हूँ और दूसरे बैग का कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा कि वही करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी में वो निकल रहा है वगैरह कुछ हो गया तो वो पीठ पे ले सकता हूँ मैं, दैट्स व्हाई मैंने वो ले ली। और सुबह सुबह सब बंद है, क्या शांति है, क्या मज़ेदार लग रहा है। उठो रे उठो, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह जल्दी उठ रहे हो आप, आराम से रे। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है हमारे साइड में, जहाँ देखो वहाँ पहाड़ फोर्ट्स वो है, और चचो जी गाड़ी को नहला रहा है सुबह सुबह पास ही मुँह लेके, अरे बाबा रे तू किधर आ रहा है। आज आसमान एकदम क्लियर है, बट मैंने वेदर वगैरह चेक किया तो 1 बजे स्टार्टिंग होगी हर जगह, मतलब नारेगा हो, झुन्नर हो, मतलब हर जगह बारिश है, तो उसका अपने को टेंशन है थोड़ा सा, बट बाकी कुछ नहीं है, फिट हो गया शायद से, छोड़ो क्या 10 बार वही बोल रहा हूँ मैं, और ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा होगा। अरे ये तकिया किसका है, बाबा कौन पौवा पी के सोया था नीचे, ओह इधर फैक्ट्रीज वगैरह भी है, और इधर ही साइड में लेनादरी भी आती है बहुत से, लेफ्ट हैंड पे तो इतना सारा घूमने को, कवर करेगा उधर की साइड भी, बट अभी खैर पहले तो अपने को नासिक निकलना है, जल्द से जल्द, बहुत लेट हो चुका हूँ अभी, मैंने ब्रह्मनवाड़ा, हाँ ऐसे कुछ तो नाम है, अरे यार याद नहीं रहता, सॉरी गाइस, ब्रह्मवाड़ा ऐसे करके है, तो उधर जाना है अपने को पहले, तो इधर से 41 मिनट दिखा रहा है, खींचा तभी जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा सीन है इधर। और वैसे भी खींच रहा हूँ मैं, 100 पर आवर से चल रहा हूँ मैं, तो देखते हैं। To get out of bed, she never looked that way at me, I swear she... कि मैं सुबह सुबह राइड की स्टार्टिंग में स्पीड ब्रेकर कुदा देता हूँ 100 की स्पीड पे, नींद उड़ जाती है, क्या यार ऊपर वाले तो क्या चाहता है, पप्पा जी आप क्या चाहते हो बता दो एक बार में, मैं वो कर दूंगा। वैसे बाय द वे ये देखो यार, पानी वानी वगैरह मस्त है ना, तो आप धुल जाएंगे भाई, हाँ वैसे तो गंगा जा रहा है ना। नारियल के पेड़ देखो गाइस पूरे लाइन में, ये चेक करो ऐसे पूरे पहाड़ जैसे लाइन में, वैसे नारियल के गोवा आ गया ऐसा फील होता है वो तो। और टैंक फुल है गाइस, टेक ऑफ फ्लेक्सिंग विद टैंक फुल है, ये तो छोटे मोटे लीन है गाइस, एक मतलब जब गेम स्टार्ट होगा ना वो उधर, बट उधर मैं इतने लीन्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, ट्रैवलिंग है तो पूरा ट्रैवलिंग ही करेगा अपना, बट नज़ारे देखने ऐसे हो गए तो बहुत
टिल द एंड। आई होप आप मतलब मज़े में हो और अच्छा लग रहा है आपको ब्लॉग वगैरह। यू नो दैट इतना कुछ बोलना नहीं आता है मेरे को ट्रैवलिंग के रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ राइड वगैरह हो तब मज़ा आता है, बट अपने को पूरा ट्रैवलिंग पे शिफ्ट होना है तो सीखना तो पड़ेगा। अरे ऐसा बैठेगा तो कैसे क्या चलेगा। अगर फेल हो जाओ मैं यूट्यूब करियर में तो भी कोई टेंशन नहीं, कम से कम होगा ना कि भाई दूसरे को सिखा तो सकता हूँ कि ये गलती मत करना वगैरह। अच्छा है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। सो आप पहले अपना उतर आएगा, उतर के बाद फिर अपन तीन पहाड़ चढ़ेंगे बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, फिर ब्रह्मनवाड़ा करके उधर से अपन सीधा सीधा कलसू वाइट वो रोड पे निकल जाएंगे। और ये नज़ारा देखो, स्मॉल वाटरफॉल बट बहुत मस्त है। वो मंदिर देखो क्या मस्त लग रहा है, इतना छोटू सा है बट बहुत मस्त है। ये आ गए रे बाबा, कल्याण के लिए लेफ्ट मारो, अहमदनगर के लिए राइट। तो अपने को दोनों जगह नहीं जाना है, अपने को सीधा जाना है बट इधर से राइट होके हुए जाना है। अरे ताऊ जी ठोक दोगी क्या। इधर से सीधा सीधा निकलना है, बस पकड़ के नहीं गाइस। अपने बस चेक किया और लाल परी, तो लाल परी पकड़ के नहीं निकलना है अपने को। और ये न्यू ग्लव्स मस्त यार, मतलब अच्छे लग रहे, कंफर्ट है थोड़ा थोड़ा, मतलब यार क्या ही मिलेगा 300-400 रुपए में आपको साला एग्जॉर का सही है। अब इधर से रूट्स वगैरह ख़राब हो गए स्टार्टिंग में ही, बट उसके बाद फिर से एकदम अच्छे लीन्स वगैरह वो भी हो गए, ऑफ रोडिंग वगैरह करनी पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिमाग में क्या था कि मैं उधर से चले जाऊँगा संगम नेहर होते हुए नासिक, बट फिर याद आया कि वी आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, अपने को उधर कोई काम धंधा नहीं है, अपने को जस्ट घूमना है और व्यूवर्स को नज़ारे दिखाने हैं। सो दैट्स वाई मैं इधर से जा रहा हूँ और आपको कलसू भाई वगैरह दूर से दिखा दूँ यार, अलग अलग मतलब मज़ा आएगा आपको भी देख के। ये कहाँ गए अपन, इतना ख़राब रोड है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम हालत पतली हो गई। सावधान पूरे अबघाती क्षेत्र है, अबघाती क्षेत्र बोले तो रिस्क प्लस गाइस, अभी किसी को मराठी नहीं समझती तो मैंने समझा दिया। ये ऐसा रोड है भाई, इससे ही बदतर था ये तो, उसके जगह जन्नत है पता है, इतना ख़राब रूट था। जल्द से जल्द कवर कर दो ना इतना, तो फिर आगे टाइम नहीं लगेगा। 4.1 किलोमीटर और मतलब इससे भी ज़्यादा है वैसे देखे तो, बट इतना तो जल्दी से जल्दी कवर करना पड़ेगा। ए ऊपर से रॉकेट गया, अरे बाबा। और ये देखो जंगल, ये भी देखो प्योर जंगल जंगल जंगल, पता चला भाई छठी पहन के फूल खिला है। अब ये देखो ऐसा रोड है, किधर जाए इंसान बताओ जरा। I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication save relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see. ये चेक करो गाइस, दूर दूर तक एक सिंगल घर भी नहीं है। वो देखो किसी ने तो कुछ तो जलाया है, बट अच्छा लग रहा है वो देखने में भी। खाना बनाना हो या तो कोई भी, तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, आज भी पुराना ही रीति रिवाज। अच्छा है वो, मतलब देखो दुनिया से इतने दूर है ये, इधर कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, एकदम मस्त रहो अपना काम करो, ना मोह माया ना कुछ कुछ भी नहीं, ऐसी ज़िंदगी मस्त है। फैसिलिटीज़ कम पड़ती है तो दिक्कत आती है, एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दिक्कत ना हो, सबकी ज़िंदगी में दिक्कत है। अभी फॉर एग्जांपल ले लो मैं खुद, इतनी दिक्कत है आज, मतलब ये राइड का प्लान 2 दिन से था, फिर एक दिन नींद मतलब आँख ही नहीं खुली, फिर दूसरे दिन मैंने राइडिंग ग्लव्स वगैरह पहना तो मूड ही ख़राब हुआ कि नहीं यार आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आज डेट क्या है दिखाता हूँ आपको, तो आप डेट भी चेक कर सकते हो कि मैं कब निकल रहा हूँ। मतलब मेरे को वीडियो एडिट करना पड़ती है बहुत बहुत, मतलब इतना मगजमारी होता है ना, बट करना पड़ता है, घूमना भी पड़ता है, अच्छा भी लगता है घूमने। सो इट्स कॉल्ड ब्रह्मनवाड़ा, ओके। मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल सा एक गांव है। अभी अभी एक बात पता चली है कि इधर से भी नासिक जाया जाता है, वाह। और मतलब अराउंड 3 घंटा बता रहा है, तो आराम से ही जाना है वैसे भी, अपने को भी किसी को बीट वगैरह कुछ नहीं करना है, मजे करने हैं और ऐसा नज़ारा देखना है। क्लियर एंड क्रिस्टल बोलते हैं ना स्काई, वो है आज एकदम रियलिस्टिक। फर्स्ट मतलब पहला पहाड़ उतारते हुए
रोड एकदम मस्त था, इसके वजह से जल्दी कवर किया। और भाई ये जंगल का क्या सीन है, और ऊपर ऐसे पेड़ वेड़ लग रहे हैं, मतलब जंगल में पेड़ ही हो गया बट अजीब लग रहा है वो, ऐसे गैप गैप दे के पेड़ है। अच्छा चलो, मौसम भी मस्त है अब तक तो, साथ दे ही रहा है। और अपने को 110 किलोमीटर खींचना है। चलो ऐसा नज़ारे हो तो कुछ इतना टेंशन नहीं है, आराम आराम से जा रहा है। जैसे ही वो लीन, मतलब जो पुराने व्यूअर है उन्हें पता है, जो महामार्ग बोल के उधर लग गए अपन एक बार, तो कोई टेंशन नहीं होता। अच्छा हुआ आलसी पना नहीं किया, नज़ारे देखने मिल रहे हैं, मज़ा चल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि कोई साथ में नहीं है, कोई नहीं है, मतलब सबने साथ छोड़ दिया, भाई बाइक लो यार, निकल लो। सच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मैं निकलूँगा कल मैं निकलूँगा, मतलब मैं आलसी बना कर रहा था दो दिन वॉक भी नहीं आया, मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रा घर से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। मैं पहले मतलब लॉकडाउन के बाद में भी भाई जस्ट गेम्स इतना गेम्स खेलता था, फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर कॉलेज, अभी भी कॉलेज करता हूँ बट कॉलेज के साथ मैं ऐसा घूमता भी हूँ। ब्लॉगिंग चैनल है जो कि अच्छा खासा चल रहा है, आप हो जो मुझे प्यार देते हो, मेरी ऑडियंस इतना मस्त है यार, जैसे ही मेरा डाउनफॉल होने लगता है बट जी हाँ मैं ना इधर आपका है टेंशन ले रहा, बट ऐसे चैनल का रीच बढ़ा देते हैं अच्छा लगता है। और एक चीज़ देखो, इधर सबसे ओल्डेस्ट बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता था, ये देखो बस स्टैंड ही है। अब जो बड़े बड़े देखता हो ना, मतलब एकदम बड़ा है भाई, अच्छे खासे स्क्वायर फीट में बना है बॉक्स टाइप, तो पहले ऐसा हुआ करता था। तो ये मेरे को लगता है 90s के टाइम का है, चेक करो क्या मस्त था वो, ये भी मस्त लग रहे हैं ना। ए दो पहाड़ भाई भाई मिले हुए हैं, क्या चल रहा है रे, तो जी ये चक्कर हमें देख रहा है मिमिक्री मस्त करता हूँ ना मैं, अरे कोई ना यार। देखते ही देखते बहुत दूर आ गया अपन घर से, इतना कुछ देखने मिलता है और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखने मिल रहा है यार। आपके पास जो है उसमें आप शुक्र मनाओ, भले ही आप मनाली वनाली नहीं जा सकते हो बट महाराष्ट्र मनाली से कम दूरी है, मनाली बोले तो यार लद्दाख वो साइड अच्छा है। चलो इसमें जब बर्फ़ की चादर चढ़ जाए ना लद्दाख फेल, फिर हाइएस्ट माउंट जैसा उधर उमिंगला है ना, इधर अपना ये बन जाएगा स्पीड ब्रेकर। सॉरी स्पीड ब्रेकर याद दिला रहा था कि ज़रा ध्यान से चला। मैं वो बोल रहा था कि हाईएस्ट माउंट इधर कौसु भाई बन जाएगा। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ये रोड बहुत परेशान कर रहा है मेरे को अभी, थोड़ा सा मेरे फेवर में भी तो होना चाहिए ना रे, ऐसा मतलब ऊपर वाले को ऐसा लगता नहीं है कि भाई ने स्पोर्ट बाइक ली है, गलती की है, चाहिए टूरिंग वाली, गलती मतलब अच्छी है यार, ऐसा नहीं मैं बुरा ही नहीं कर रहा बट अभी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए इतना बेस्ट नहीं होता है, अगर आप में गट्स है मेरे ऐसे तभी, वरना ये रोड देखो, ये रोड नहीं है, अरे बाबा बोलूँ देना अरे मतलब थोड़ा सा कमन तो ऐसा कर रहे अरे कमन बोले तो यार मैं ऐसा अलग अलग लैंग्वेज आराम से बोल देता हूँ, मराठी में भी अलग अलग टाइप होते हैं ना, एकदम मराठी बोले तो एकदम प्योर, फिर गांवी, फिर अलग अलग स्टेट की अलग अलग, सॉरी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है थोड़ी सी। आपको एक छोटी सी वैली दिखाओ, दुनिया की सबसे छोटी वैली ये देखो इधर रही, पूरा वैली टाइप है, वाह क्या लगता है भाई, बारिश में बहुत मज़ा आता होगा इधर, अभी तो खैर सूखा है पूरा। कम से कम 20 किलोमीटर इतना खराब रोड लगाया ना, बता नहीं सकता, अब जाके थोड़ा अच्छा लगा यार, बहुत दिक्कत मतलब क्या बोलो यार, अच्छा नहीं लगता बच्चे को, हाँ कि आप कभी कभी बच्चे ऐसे हरकतें करता हूँ खैर, मतलब भाई अकेला हूँ गल्ला बैठा हूँ, कोई काम धाम नहीं है, जब घूमने जा रहा हूँ क्या करूँ सीरियसनेस क्या, मतलब भाई मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं बहुत मतलब इतना सिग्मा हूँ आप सोच नहीं सकते मेरे, अभी मतलब ना ही मैं लड़कियों से बात माँ कुछ भी नहीं, सीन समझ में नहीं आता कि ये बचपन आ किधर से रहा है,
अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए, ये तो समझ में आया। जन्नत के दरवाजे दो टाइप में, एक तो इतना ख़राब रोड आता है कि बस रे बस, एक तो इतना अच्छा लगता है कि भाई चलो जन्नत चले। फाइनली आ गए अपन, एक सेकेंड, हाँ MHSH 44 हाईवे, ये हाईवे नहीं है, मैं तो इसको ट्रैक बोलता हूँ, इधर पूरा लीन चलता है यार। लेट्स गो, अभी भूख तो लगी है बट ऐसे सोच रहा हूँ कि सीधा नासिक में ही खा लो यार, दो घंटा तो मैं सफ़र निकाल ही सकता हूँ, दो घंटे का सफ़र मैं एक घंटे में कर लूँगा ऐसे रोड तो, बट अपना टायर भी खींच चुका है तो संभल के। इधर पहली बार मैं अकेला आ रहा हूँ और इधर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मतलब क्रैश वगैरह का। जब मैं स्क्वाड में होता हूँ तो मुझे कुछ टेंशन नहीं होता है, मेरे साथ दो चार बंदे होते हैं, वीर होता है, अतुल होता है, ऐसा बहुत बंदे होते हैं जो कि मुझे उठा के ले जा सकते हैं, बट मैं अकेला घसक गया तो सब लूट लेंगे, मेरा गोप्रो गायब, मेरी गाड़ी गायब, मेरा जूता गायब, सब गायब, मेरी चड्डी तक गायब कर देंगे। We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I can tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. और नज़ारा देखो इधर से, क्या मस्त लग रहा है। और इधर फोटो सेशन चल रहा है, चलने दो। कोई ना, अपन हलकट मानुस नहीं, आराम से करो। अच्छा लगता है यार इधर पहाड़ों में। नासिक बोले तो पूरा फोर्ट और पहाड़ ये एरिया में आता है, सिटीज़ में जाओगे अलग है मतलब, बट उसके पहले इधर जा, अगर तुम अंदर जाओगे नीचे तो इधर और एक ये क्या बोलते हैं वाटरफॉल है, क्या रंधा वाटरफॉल है। और इधर से अगर आप ऊपर जाओगे बहुत कुछ है, मतलब घूमने ऐसा है सब कुछ, कौरसुभ है, हरिचंद्र। कार्स पीछे बस वगैरह देख रहे हो किसके लिए है, तो ये नज़ारा के लिए है। देखो वो कौरसुभ भाई है जिस पर ये अभी पूरा बादल है, जो आप रील्स वगैरह में देखते हो वो अभी प्रेजेंटली आप देख रहे हो। तो इधर से देखो ये अलग ही सीन है, इधर तो पहाड़ मतलब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में से बादल बाहर आ रहे हैं। गाइस एक चीज़ दिखाओ, जन्नत ये देखो, आय हाय ओए होए, बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। जो नजर यार वो पूरा बादल पहाड़ पे घुस रहा है या पहाड़ उसमें, कुछ समझ नहीं रहा है, बट एकदम मस्त मौसम हुआ है। अभी और भी कंटिन्यू करते हैं, बारिश भी लगने वाली है तगड़ी वाली आते हुए, तो वो भी हाल आप जरूर चेक करना। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल दो पल, ओ फलक तक चल साथ में, फलक तक चल साथ चल।
जहाँ दिन की बाहों में रातों की साए हैं ढलते। चलो जाओ बारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। इधर से राइट मारना है, मनकौर फूड कैफे वगैरह इधर है, बट अपने को कुछ लेना देना नहीं है भाई। सर नासिक जाके नाश्ता करना है अपने को और निकलना है उधर से। थोड़ा सा घूमने का टाइम मिला तो घूम भी लेंगे। और ये फ्लाईओवर आई थिंक सो आधा ही बना है, आधा नहीं बना है बिकॉज इट्स सिस्टम। हाँ इधर ऐसा ही होता है साला, दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए, खुद रुकाना पड़ता है। अब आई थिंक इधर से पूरा मतलब बिजी शेड्यूल साल होगा ये। अब कहाँ से चल रहा है, नींद में है क्या भाई तू? जरा उधर से चल यार, वो जाना था आगे के नज़ारे बढ़िया है, और भी नज़ारे देखने मिलेंगे। चलो नज़ारे करते करते पूरा ब्लॉग नज़ारों में ही छूट जाएगा। घूमना घूमना अच्छा है, बट कुछ बातें होते हैं जो कि आपको मतलब नहीं बताते। बहुत सारे मोटर ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, कभी बारिश होगी इसमें ब्लॉगिंग वगैरह कैसे करेंगे, गोप्रो भीग गया तो क्या वगैरह वगैरह, बहुत झंझट एकदम टेंशन से भरी हुई ज़िंदगी होती है। बट जाने तो जो भी टेंशन है वो हमें उठाना है, आप जस्ट इंजॉय करो और मज़े करो, मज़े बोलो यार ज़िंदगी में, खुश रहो, बाकी कुछ नहीं, बाकी क्या ही कर सकते हो आप। रोड तो एकदम मस्त है यार, बट अब तक कोई हाँ बाइक है, मेरे को लगा कि बाइक के लिए अलाउड नहीं है, बट है बाइक, चलो अच्छा है। मक्खन रोड एकदम मस्त, नासिक 23, इंदौर 440, आगरा 1046। अरे भाई इंदौर अंदर का को लेके जा रहे हैं मुझे, और टाइम है उसके लिए, करेंगे सब राइड करेंगे, सारा पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, बट स्लोली स्लोली, उतना बजट भी तो होना चाहिए। मैं खींच दूँ ये बाइक पे, एक तो पता है ना गाइस ट्रैवलिंग बोले तो गट्स, और गट्स मेरे में बहुत है बट तो भी। और चच्चो देखो अरे बच्चों थर्ड लाइफ चल रही है जैसे क्या, दोनों कंटेनर के बीच में देखा ना हमने, क्या बवाल लोग है रे इधर बाबा, नासिक के पहले ही ऐसे लोग मिल जाए, नासिक में कैसे है। क्या यार इतना अच्छा रोड दिया और थोड़े के लिए ऐसे कर रहे हो तुम, यार अच्छा रोड दो ज़रा। ये देखो पीछे का टायर एक साइड में जा रहा है, आगे का टायर एक साइड में जा रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो आप? ये आपको दिख रहा है ना गाइस, देखो ऐसे पट्टे पट्टे चट्टे चट्टे, ये जो अरे बाबा इसकी वजह से पूरा स्कीड कर रही है यार। बैग बहुत हजार्ड चालू कर देता हूँ, बाई चांस कोई ओवरटेक भी करता होगा तो भी ये हो जाए। ये जानबूझ के बनाया है शायद से, या तो हो चुका है गलती से, कुछ तो हुआ है बट बहुत गंदा हुआ है यार। क्यों यार नगर पालिका तो उधर इतना मस्त रोड बनाया था और थोड़े के लिए तूने ऐसा कर दिया, ये ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया था मैंने, मैंने सोचा था कि अच्छा खासा होगा और इधर और भी काम चल रहा है। नगर पालिका लोग वो जा रहा ये रोड ना जरा ठीक करना, ठीक है
बाकी मोदी वोदी साहब ही बात कर लेना, मैं नहीं बात करूँगा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको। ये थ्री लेन है तो सब भगाने के मूड में होते हैं, और इधर तो ज़्यादा टू व्हीलर दिख भी नहीं रही है, मैं अकेला ही भगा रहा हूँ इधर। भगा रहा हूँ मतलब एकदम कंट्रोल में, ऐसा अंधाधुंध नहीं। जाने दो रे बाबा, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। हमको भूख लगने के बाद कुछ समझता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट खाना खाते हैं पेट भर के। वाओ, ये वेज आर्किटेक्चर चेक करो, नाइस लग रहा है, ऑसम मस्त है। क्या है, रोड भी मस्त है, सब मस्त है पीछे। हाँ ये भी मस्त है, चलो यार। नासिक में एक चीज़ तो मानना पड़ेगी, ये पेड़ वेड़ बहुत है, मतलब दूसरे सिटीज़ में इतना पेड़ देखने नहीं मिलता है। इधर मस्त है, सब कुछ हरा है और अच्छा भी है, फ्रेश लग रहा है इधर आके। अभी और अंदर जाएंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर निकल जाएंगे रे बाबा जो कि सेकेंड पार्ट में। और भी इधर नासिक घूमने मिला तो घूम लेंगे। एक तो है ना, एक दो बजे मतलब बारिश का टाइम होगा, तो बारिश अगर लग गई तो यू नो उसकी तैयारी है, रेन जैकेट वगैरह सब कुछ है। बट तो भी यार कौन भीगना चाहेगा, व्लॉग खराब होगा वगैरह तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे नाइस थैंक्स, मतलब वो ये है जस्ट डेमो पीस है, ओरिजिनल नहीं है। इधर आई थिंक सो किधर तो है ना कैंप है, आर्मी कैंप नगर में बहुत बड़ा है, नासिक में भी होगा। ये कैंप वगैरह में मज़ा आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम भाई बहुत सताते हैं वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह इतने मतलब ट्रू मैंस बिल्ड ऐसा बोलते हैं उसको सीधा, इतना मेहनत लगता है उसमें। मैं जब था ना हॉस्टल में तब बहुत मेहनत लगती थी पापा, सुबह 5 बजे उठो फिर यही करो वो करो, बहुत टाइम जाता था। मतलब टाइम बोले तो हमको समझ में नहीं, हम घड़ी तक यूज़ नहीं करते थे, हमको टाइम वगैरह कुछ भी पता नहीं होने का। जब तुम इधर गाने वगैरह सुनते होगे हमको वो 2 साल बाद में पता चलता था कि ऐसा भी कोई गाना आया है, तब तक कुछ भी नहीं, तब तक हम जस्ट ऐसे ही एकदम पागल बने हुए। मुंबई नाका पुलिस ठाणी, पुलिस लोग है, पुलिस मस्त है, कोई टेंशन नहीं। अरे जा तो भी या तो आ तो भी, ऐसा स्लोली स्लोली मत चल। अब पुलिस भाई, एक तो पुलिस की पूरी गैंग है इधर, बच के बचाते हुए जाना पड़ेगा। अरे बाबा एकदम सोमड़ी में कोमड़ी, ऐसा अपन एकदम मेन इसमें आए शायद नासिक में। एक तो पहचाना तो कुछ भी नहीं लग रहा है, सब एकदम नया नया लग रहा है साला, ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही सिटी में आ गया। बट इतने राइड किए हैं तो आइडिया लग जाता है कि